बर्फ है ब्रदर, कार का डीजल हो गया फ्रीज। अब ये लाया गर्म पानी, एक्चुअली कार का कूलेंट और कार का डीजल दोनों फ्रीज हो गए। कार स्टार्ट नहीं हो रही है, डीजल जम चुका है। ये देख रहा है, हम ये बर्फ के ऊपर से उतर रहे, नीचे बर्फ है। ये देखो भाई, ये स्लोप सारा बर्फ का है, वो तो इसके ऊपर रेत है। ये देखो कार भाई, वो खड़ी अपनी गाड़ी और इसे स्टार्ट करने का टास्क है। अब हमारा नया टास्क है हमारी कार स्टार्ट करना। चल भाई, कार का डीजल और कूलेंट दोनों फ्रीज। एक्चुअली कल क्या हुआ था, हमारे यहाँ से ये ग्लो प्लग है, नॉट स्पार्क प्लग, डीजल की कार में स्पार्क प्लग नहीं होते। हाँ। ये ग्लो प्लग एक जल गया था, तो अब और मुश्किल होगी क्योंकि ग्लो प्लग का काम होता है डीजल को गर्म करना, और ये कूलेंट है, कूलेंट का हाल देखते क्या है। तो खुल भी नहीं रहा ना, खुलेगा भाई, ये बर्फ बन चुका है। ये देखो इधर 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 इधर, तुम एक चीज देखो, पाइप भी नहीं था, पर ये देखो ये कूलेंट के पाइप है। ये देखो आवाज सुनो, ये देखो भाई कुछ नहीं काम कर रहा, कार का सब फ्रीज हो गया। अगर इस स्टार भाई टेम्परेचर है -15, रात को इतना बुरा हाल था यहाँ का। पानी, गर्म पानी डालते है कार में, देखते कुछ होता है नहीं होता। रेडिएटर पर भी, क्योंकि इंजेक्टरों पर भी डालते हैं गर्म पानी। उंगलियां जाम हो रही भाई मेरी, डीजल तभी स्टार्ट होगी कार, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। सब जाम हो गए भाई, और मुझे लगता नहीं है कि इतने से उससे काम बनेगा पानी से। गरम हो गया सर। आंटी खुल ही नहीं रहा है, तो अभी इंजन जाम पड़ा पूरा। अभी मत खोलो, रख दो। हाँ देखो आज सुबह धूप नहीं आया। हाँ ये भी है, जब तक धूप नहीं आएगी जब तक ये खुलेगा भी फायदा नहीं भाई, रहने दो अभी अंदर ही बैठो। लोकल ये कह रहे हैं कि जब तक धूप इसमें नहीं लगेगी तब तक कार स्टार्ट नहीं होगी, वो तो कितना ही एफर्ट्स लगा लो, लेकिन फिर भी करते कोशिश। ये तो खोल दिया मैंने इसका कैप, तो इसके अंदर का हाल बहुत गंदी जाम हो रही है मेरी, तेरे से बुरा हाल है मेरा। ये भी ठीक है। ओ शिट, ये देखो इधर आओ, और तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये बर्फ के क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे इसमें, ये भी जाम भाई। बड़ी हुई बंदी होगी, बंद है। भाई वो डाल दे गर्म पानी इसमें, मैं मेरे से बना स्टार्ट करनी पड़ेगी, दो दे काम ना करे ग्लव्स में, और गर्म पानी डाल रहे हैं इसमें ताकि कुछ फर्क पड़े। ये भर गया हमारा कूलेंट के पाइप वाइप सब, और देखते हैं कि ये ग्लो प्लग काम करेगा या नहीं, क्योंकि ये जो ग्लो प्लग का वायर है ये हमने कल निकाल लिया था, देख रहे ब्लैक ब्लैक हो गया इंजन, ये पूरा जल गया था ग्लो प्लग, लेकिन इसके बिना कार स्टार्ट भी नहीं होगी क्योंकि ये ही डीजल को गर्म करता है। ये डीजल की कार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, लग गया ग्लो प्लग। लेकिन भाई मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल, जैसे वो नहीं पड़ जाते पीले से, भाई पड़ा गर्म पानी डाल के देखें भाई, ये देख रहे हो गर्म पानी मिला है, इसको डालते हैं कुछ होता है तो। कूलेंट पे डालना पड़ता है, मैं कूलेंट पे नहीं, टोटल बॉडी पे जहां बर्फ जमी और इंजेक्टरों पर। इससे क्या होता है कि सारा जितना भी फ्रीज वाटर है वो है, वो सब इससे ही ठीक होगा। ये तो भरा हुआ है,
अभी तो भरा था ये, अभी भरा है। एक्चुअली जो थ्रोटल बॉडी होती है ना, बनी हो योगेश, जो वाटर बॉडी होती है वो यहाँ पर होती है, अगर उसमें बर्फ हुआ। कहाँ पर होती है? इसके नीचे यहाँ पे। अच्छा। जहाँ से इन उसमें पानी जाता है, तो अगर वो फ्रीज रही तो उसको फट जाने का डर रहता है वाटर बॉडी का, तो कोशिश ये करते हैं कि वाटर बॉडी को ग्लोब लग लगा दिया था, ग्लोब लग लगा दिया। अब कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की। गर्म पानी के साथ कर सकते स्टार्ट? हाँ, डीजल की कार है, नो प्रॉब्लम। चलो देखो, हमें धूप भी मिल गई है भाई, यहाँ पे धूप है, कोशिश करेंगे। अगर गाड़ी स्टार्ट होगी तो हालात खड़ी कर देंगे। हम कोशिश करते हैं कि पहले गाड़ी धक्का मार के, धक्के धक्के से लेके जाए तब धूप में स्टार्ट। चलो भाई धक्का मार के, धक्का लगा लो। चलो भाई इसको और लगाए भाई, ये धक्का लगा के जा रहे हम गाड़ी। बहुत है, आ रही है धूप बस भाई, धक्का लगा लगा के यहाँ ले आए गाड़ी धूप में। अब इसका इंजन भी खोलेंगे, स्टार्ट नहीं हो रहा। अब मैं कार को धूप में ले आया है, थोड़ा सा डीजल डीफ्रीज होगा, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि देखो हमने उबला हुआ पानी डाला है अभी कार में, तो शायद इससे कुछ फर्क। भाई ये रिवर्स गियर में होगी स्टार्ट, ले फिर बंद होगी। तीन चार बार आगे धक्का दिया, आगे से न हुई, रिवर्स करी फिर होगी स्टार्ट। रिवर्स गियर में डाल के धक्का दिया हमने, अब बंद होगी फिर दोबारा। भाई ने फ्रंट गियर डालो शायद, करना भाई स्टार्ट या फिर से रिवर्स धक्का दें। इस जलने इसमें ला दी फिर से ना, पानी हो। चलो ये गर्म पानी है, आ रही स्मेल? ना, ये बार डीजल कंप्रेसर संभाल लूं, दो बार से रहने दो। हाँ, ये बार फिर से बैक गियर में करेंगे, फिर रिवर्स करके कर लो स्टार्ट। यार बता सीन क्या, डर लग रहा कि फिल्टर वो बॉक्स खाली ना हो जाए। कौन सा बॉक्स? डीजल बॉक्स, डीजल बॉक्स खाली ना हो जाए। ऐसा ना हो कि बहन चो टंकी वंकी में डीजल जब रहो, जो तो मैं कह रहा हूँ गाड़ी हिला दो, जितनी हिलाएगी उतना बहन चो डीप फ्रीज मारेगी। तो भाई इतनी सारी मेहनत के बाद भी गाड़ी नहीं हो रही स्टार्ट, पूरा पड़ा चेंबर जाम। भाई अंकल मदद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोकल ने मदद करी। ये खड़ा है हितेश भाई, अंकल जी का पोता लेके जाम रुके है। देखो भाई कितना क्यूट बच्चा है, अरे यहाँ की शक्ल दिखा दो भाई, तो कितना क्यूट बच्चा है। तो भाई फाइनली इतनी मेहनत के बाद गरम करके पूरी गाड़ी हो गई है स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट है भाई। ब्रदर 3 घंटे लगे हैं, देख अपना स्टार्ट हो गई फाइनली। अब भाई आपका ज्यादा उलझी कम क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, ए इधर इधर देख, इधर देख भाई, इनको इधर देख, इनको हिंदी नहीं आती इतनी। उधर देख, उधर वो देख, एक खींचे खींचे, क्या फोटो खींचो? हाँ फोटो खींच, चलो उठाओ खींच दे, लियो दियो, खींचे खींचे, एक और खींचो। उसकी मम्मी ने मना कर दिया, अभी ये मुंह वही करेगा मम्मी के। खींच तारा, खींच तारा, अरे खींच। ओ भाई दोबारा दो, अब करना भाई, कह रहा बाय, ऊपर ऊपर कैमरा ऊपर, बाय। We'll be right back.
भाई हमें अभी टाबो मोनेस्ट्री में, और अभी हमने अंदर यहाँ दर्शन कर लिए हैं, और अभी बाहर पूरा चल के दिखाते हैं क्या सीन है। भाई टेम्परेचर यहाँ पे भी हो रहा है -7 degrees भाई, अब तो प्लस का तो टेम्परेचर नसीब ही नहीं हो रहा, हालत ख़राब है, पैर जाम पड़े भाई। और यहाँ पे भी है ये कुछ, चलो आगे चलते भाई। तो ये देखो भाई, ये है यही है मोनेस्ट्री बस भाई, पेड़ सूख रहे पूरे भाई। ये देखो घुमाने के लिए भाई, पीछे पहाड़ है अपने पूरे, फोकस कर ले रहा है। ये देखो भाई पीछे पूरे पहाड़ है, और उधर वाइट पहाड़। कहाँ जा रहे हम? ब्रदर जा रहे हैं हेलीपैड पे। हेलीपैड? इधर ही मेरा पर्सनल हेलीपैड है यहाँ पे। हाँ हाँ बस। सिर्फ मैंने अपने जैसे बैंग बैंग में उसमें अपना वो बना रखा था ना, एक पर्सनल आइसलैंड, ऐसी मेरे एक पर्सनल वो है हेलीपैड। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगली बार हेलीकॉप्टर उधर ही उतारेंगे। गिर रहा है भाई, गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है। हाँ हल्की होगी, और कोई रास्ता भी नहीं है, 9 बजे ले तो आओ भाग के आ जाओ। कैसा हल्के पड़ रहे हो, चलो गाड़ी ना जाएगी यहाँ पे। ओह गाड़ी ले लो ना भाई, तो कह रहा हूँ भाई। अरे वाह, हेलीपैड ही था, गाड़ी खड़ी कर दी भाई। देखो ये हेलीपैड एच लिख रखा, इतना बड़ा ताबो का हेलीपैड भाई 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 भाई। और ये हेलीपैड जब अपने हेलीकॉप्टर खरीद लो ना, ये लैंड करेंगे सीधा, ठीक है भाई। और ये हेलीपैड ये देख रहा है, ये यहीं से टेक ऑफ करेगी।